पिछले वीडियो में हमने 5 चेस ट्रेनिंग गलतियां इन डेप्थ डिस्कस की थी जो मैंने इन 4.5 सालों में किया। वो वीडियो पार्ट 1 वीडियो था, सो अगर आपने अभी वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखना। मैं उसकी लिंक आए जो भी कार्ड रहता है उसमें डालूंगा। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं अपनी टॉप 3 फेवरेट चेस्ट एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं उन एक्सरसाइजेस को क्यों परफॉर्म करता हूँ उसका भी रीजनिंग देने वाला हूँ। मैं हर वर्कआउट में चेस्ट के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ। 2 अननेसेसरली और एक्सरसाइजेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ कि 500 वेरिएशंस और एंगल्स पर चेस्ट डे पे चेस्ट के 10 एक्सरसाइजेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन दबाना, रोड टू 1 मिलियन। और अगर आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके किसी भी पोस्ट के नीचे एक कमेंट छोड़ सकते हो, बिकॉज पोस्ट करने के बाद मैं 30 से 40 मिनटों तक अपने फोन पे ही रहता हूँ to talk to you guys. Disclaimer, मैं एक कोच या सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा कम प्योरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करने के पहले मुझे आप सबको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। नंबर 1, मेरा एक सिंपल रूल है जो मैं चेस्ट ट्रेन करते वक्त इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो, मैं लेग्स पुश पुल टाइप का ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता हूँ। पुश डे पे मैं चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ट्रेन करता हूँ। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बाद मैंने नोटिस किया है कि मुझे पर पुश डे चेस्ट के लिए मैक्सिमम 7 से 8 सेट्स लगाने की जरूरत है। चेस्ट को ग्रो करने के लिए मैं 2 मूवमेंट्स लगाता हूँ, एक प्रेसिंग मूवमेंट और एक फ्लाई। अब उन 7 से 8 सेट्स को मैं कुछ इस प्रकार डिवाइड करता हूँ, एक प्रेस के 3 से 4 सेट्स और एक फ्लाई के 3 से 4 सेट्स। इजी, इट इज दैट सिंपल। जब लोग चेस्ट ट्रेनिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट करके 1000 एक्सरसाइजेस लगाते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, बिकॉज व्हाई, इट इज सो सिंपल, एक प्रेस और एक फ्लाई। इंपॉर्टेंट चीज नंबर 2, फेलियर तक जाना। फेलियर का मतलब एक सेट में ऐसा पॉइंट जहां पर आप इन एनी केस एक और रेप नहीं लगा सकते। मैं कभी भी एक्सरसाइजेस को ऐसे अप्रोच नहीं करता कि इस एक्सरसाइज के इस सेट में मैं 10 रेप्स लगाऊंगा, बिकॉज व्हाट इफ मैं और 3 लगा पाता। मैं हमेशा एक ऐसे माइंडसेट में रहता हूँ कि मेरा सेट तब कंप्लीट होगा जब मैं एक्चुअली एक और रेप नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, वेट सिलेक्शन। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आपको मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ईगो लिफ्टिंग के फेज के बारे में पता चल गया होगा। मैं ट्रेन करते वक्त हमेशा एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। आई शुड कंट्रोल द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज शुडंट कंट्रोल मी। बॉडी बिल्डिंग करते वक्त एक मेन गोल है एक सूटेबल वेट के थ्रू एक्सरसाइजेस लगाना जिससे मैं टारगेट मसल्स को अफेक्ट कर सकूं। मैं हमेशा एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं उस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊंगा और सही टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने चेस्ट को एक्टिवेट कर पाऊंगा। सो यूजुअली प्रेसेस के लिए वो एक ऐसा वेट होता है जिसका इस्तेमाल करके मैं सेफली 8 to 12 रेप्स की रेप रेंज में फेल कर पाऊंगा, और फ्लाइज करते वक्त ये एक ऐसा वेट होता है जिसके साथ आई फेल इन द 12 to 20 रेप रेंज। नाउ दैट ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टारगेट करती है। इंक्लाइन डंबल प्रेस एक बहुत वर्सेटाइल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता हूँ और अलग अलग जिम्स में ट्रेन करता हूँ। द गुड थिंग इज कि हर कमर्शियल जिम में डंबल्स के साथ साथ एटलीस्ट एक ऐसा बेंच होता है विच इज एडजस्टेबल जहां पर मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता हूँ, नो मैटर वेदर आई एम इन पुणे और नॉट। मैं बारबेल से ज्यादा डंबल्स यूज करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि डंबल्स यूज करने से बॉटम पोजीशन पे हमें हमारे चेस्ट में एक बेहतर और डीपर स्ट्रेच मिलता है, और डंबल्स फ्री होने की वजह से ऊपर के पॉइंट पे हाथ को पास लेके आने पर हमें हमारे चेस्ट में एक बेहतर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। मसल बिल्ड करने के लिए मसल को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर एक्सरसाइज में अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलअप्स लगाते वक्त जब आप ऊपर जाते हो तब आप अपनी बैक को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और ऑल द वे डाउन नीचे के पॉइंट पे हमारी लैट स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच। इंक्लाइन के एंगल की बात आई तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आइदर एक 15 डिग्री या 30 डिग्री एंगल रेकमेंडेड होगा। 30 डिग्री से ज्यादा गया तो हमारा शोल्डर टेक ओवर करना चालू करेगा, तो मैं हमेशा एक 15 डिग्री या एक लो इंक्लाइन पे इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाना प्रेफर करता हूँ। मतलब इजी शब्दों में, जिम्स में जो फ्लैट बेंच होता है उसका एक सेटिंग ऊपर, द लोएस्ट वन। मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है बट मुझे 15 डिग्रीज पे बेस्ट माइंड मसल कनेक्शन ऑब्जर्व होता है। इस एक्सरसाइज के मैं 3 से 4 सेट्स लगाता हूँ और एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 8 से 12 रेप्स की रेप रेंज में फेलियर हिट करूँ।
ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं बहुत मतलब दिल से मिस करता हूँ, एंड इट इज द मशीन चेस्ट प्रेस। मेरे पुराने जिम में एक हैमर स्ट्रेंथ की मशीन चेस्ट प्रेस मशीन थी, विच वॉज सिंपली ब्यूटिफुल। अगर आप लकी हो और अगर आपके जिम में एक चेस्ट प्रेस मशीन है तो ट्रस्ट मी, यूज इट। मुझे मशीन से जो फील, जो कॉन्ट्रैक्शन और जो स्ट्रेच मिलता है वो मुझे फ्री वेट एक्सरसाइज से नहीं मिल सकता। मशीन यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। मशीन यूज करने से मैं टारगेट मसल ग्रुप को, इस एग्जाम्पल में चेस्ट, सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीके में ट्रेन कर पाता हूँ। मशीन यूज करने से एक्सरसाइज का जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो इक्वेशन से हट जाता है और सारा टेंशन मुझे अपने चेस्ट में फील होता है। मशीन फ्री वेट एक्सरसाइजेस के कंपैरिजन में हमारे जॉइंट्स पर और हमारे बॉडी पर कम स्ट्रेसफुल होते हैं। सबसे बड़ा एडेड बेनिफिट, मशीन यूज करने से मैं फेलियर तक और फेलियर के बियॉन्ड जा सकता हूँ। अब देखो, रादर देन डूइंग द एक्सरसाइज लाइक दिस, एक टिप जो मैं सारे मशीन एक्सरसाइजेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, टेम्पो। मैं जानबूझ के एक स्लो टेम्पो के साथ रेप्स लगाता हूँ। यूजुअली वेट को नीचे लेके आते वक्त मैं 2 सेकंड्स के लिए आराम से उसे लेके आता हूँ, नीचे के पॉइंट पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ और फिर ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। सो एक्सरसाइज को जितना हो सके उतना तेज लगाना मत, इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन टेम्पो एंड एक्चुअली फील द एक्सरसाइज। अब अगर मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस नहीं लगा रहा तो मैं यूजुअली ये एक्सरसाइज करता हूँ फॉर 3 to 4 sets, क्योंकि ये एक प्रेसिंग एक्सरसाइज है और मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 8 to 12 reps के बीच में फेलियर हिट करूँ। अगर आपको अपने ट्रेनिंग सेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट 300 जरूर ट्राई करना। डिस्काउंट कोड साके30 का इस्तेमाल करने से आपको एक 30% डिस्काउंट मिलेगा, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 3, द केबल फ्लाई। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एक्सरसाइज करने में जो मजा और जो पंप आता है, केबल्स यूज करके फ्लाइज करने का एडवांटेज ये है कि केबल्स के थ्रू हमारे पेक्स पर एक कांस्टेंट टेंशन होता है। उन लोगों के लिए जिन्हें जॉइंट पेन एक्सेट्रा है और जो पेन की वजह से ज्यादा बेंच प्रेसेस और डंबल प्रेसेस नहीं लगा सकते, आपके लिए सीक्रेट फॉर्मूला, मशीन प्रेस प्लस केबल फ्लाई, मैक्सिमम सेफ्टी, मिनिमम रिस्क ऑफ इंजरी। केबल फ्लाइज पे हैवी जाने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर मैं बेकार में चीटिंग और मोमेंटम का इस्तेमाल करना चालू करूंगा। मैं फ्लाइज करते वक्त हमेशा एक रिलेटिवली लाइट वेट चुनता हूँ टू एक्चुअली फील द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के मैं 3 से 4 sets लगाता हूँ हमेशा हर पुश डे पे। सो मैं आइदर इंक्लाइन डंबल प्रेस या मशीन प्रेस के साथ स्टार्ट करता हूँ कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट एंड देन आई कम टू अ फ्लाई, इट्स दैट सिंपल। और मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 12 टू 20 की रेप रेंज में फेलियर तक पहुंचूं। एक और बार, ये करते वक्त मैं टेम्पो पे बहुत ध्यान देता हूँ और मेंटली इस एक्सरसाइज को एक स्लो मोशन में करने के बारे में सोचता हूँ। इससे ऑटोमेटिकली ईगो लिफ्टिंग नहीं होती। सबसे पहले तो केबल्स को पास लेके आने के बाद मैं अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ फॉर एटलीस्ट 1 second और धीरे 2 seconds के लिए स्ट्रेच करता हूँ, आई होल्ड देयर एंड देन आई रिपीट। बट केबल फ्लाई एक ट्रिकी एक्सरसाइज है। मुझे इस एक्सरसाइज पे एक अच्छा माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करने के लिए काफी सारे सालों की प्रैक्टिस लगी थी। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन ओवरनाइट। और कूल चीज ये है कि आई एम स्टिल लर्निंग। एक चीज जो मैंने रिसेंटली फिगर आउट किया, केबल्स को हमेशा अपने शोल्डर लेवल पे सेट करो। इससे मुझे अपने पेक्स में एक बेहतर स्ट्रेच महसूस होता है। सो नेक्स्ट टाइम ये मूवमेंट करने से पहले अपने जिम के केबल स्टेशन पे जाओ और वो जो भी अटैचमेंट रहती है वो यहाँ पर सेट करो, लाइक शोल्डर हाइट, एंड देन परफॉर्म द एक्सरसाइज। गिव इट अ ट्राई, आई थिंक यू लाइक इट। ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो देख के मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब मुझे पता है कि चेस्ट के 1000 अलग अलग एक्सरसाइज है, डिक्लाइन बेंच प्रेस, डिप्स, इंक्लाइन डंबल फ्लाई, बहुत वेरिएशन रहते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इन 3 exercises में से एक प्रेस और एक फ्लाई चूज करोगे, यू डोंट रियली नीड एनीथिंग एल्स। बॉडी को शॉक और मसल्स को शॉक करने के लिए हर 2 महीने अपना वर्कआउट चेंज मत करना और बेकार में एडिशनल एक्सरसाइजेस को ऐड मत करना। चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। इन 2-3 exercises को प्रैक्टिस की तरह सोचो और उन्हें करते जाओ। इवेंचुअली प्रैक्टिस की वजह से आपकी टेक्निक और आपका माइंड मसल कनेक्शन इतना सुधरेगा दैट यू विल बिकम अ मास्टर एट देम। इन 3 exercises में एक प्रेस एक फ्लाई चुनो, जो भी आपको पसंद है वो चुनो एंड डू देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक और किसी एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना। स्टे सेफ एवरीवन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।